तो वही चल रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि भगवान का भजन करने से, भगवान की कथा करने से तमाम पापियों का उद्धार हुआ। तो कलयुग में भी यही सोचूंगा कि मैं भगवान के नाम का प्रचार करते हुए, प्रचार नहीं कहेंगे इसको, तो हम सिर्फ भगवान के नाम के बारे में बताते हुए यही कहेंगे कि भागवत से कितने कितने पापियों का उद्धार हुआ। हम लोग भी अगर भगवान के भजन में लीन हो जाएंगे तो हमारा भी उद्धार हो सकता है। आज की कथा ये पंचवटी आश्रम जो शिवरा मोहनी चल रही है, तो इसमें तो आज सुबह से भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन हो रहा है। किस तरह से भगवान कन्हैया ने महाराज लीला की, किस तरह से चीरों को चुराया, और उसके बाद भगवान कन्हैया बाल वालों को लेकर के मथुरा नगरिया में मामा कंस का वध करने के लिए पहुंचे। इतनी गर्मी में भी इतने दर्शक आ रहे हैं, आपके भक्तगण आ रहे हैं? नहीं नहीं काफी अच्छे भक्त हैं यहाँ के। मेरी चौथी कथा पढ़ रहा हूँ और इस पंचवटी आश्रम पर नगला शीतम में मैं 4 बार आ चुका हूँ, 4थी बार आया हूँ। इसी तरह से हर बार भक्त आते हैं और ज्यादा से ज्यादा भीड़ उमड़ती रहती है। सभी हमारे भक्त हैं, भगवान के भजन में लीन है। यहाँ हनुमान जी का विशाल मंदिर भी है और हनुमान जी की कृपा से सोनू भैया, सुनील मास्टर साहब और भौजी, ये भक्त लोग बड़े ही प्रेम से हर साल कथा का आयोजन कराते हैं और बड़े प्रेम से कथा संपन्न होती है। कथा के माध्यम से किस तरह का लोगों में संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो हम यही देना चाहेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारी आवाज़ यहाँ तक पहुँचे टीवी चैनल के माध्यम से या माइक के माध्यम से, कि इस कलयुग के बढ़ते हुए दौर में पापियों का अत्याचार बढ़ रहा है, उस अत्याचार को कम करें। आजकल तो अब क्या करोगे, कथावाचक ही भ्रष्ट हो चुके हैं, कथावाचक मंत्र के दारू पी पी के कथा कह रहे हैं, अब वो दूसरों को क्या शिक्षा देंगे? और अगर शिक्षा दी जाए तो खुद सही बैठ करके अगर शिक्षा दोगे तो हो सकता है, मैं सत्यवादी से कहता हूँ कि भक्तों के समझ में आ जाएगा और जीवन में कुछ न कुछ चेंजिंग अवश्य होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में मैं तो यही कहूँगा। वैसे इस कलयुग में सरकार ने रोक तो लगाई है कि बेटी की हत्या न की जाए, लेकिन फिर भी बेटियां आज दिन गर्भ में मारी जा रही हैं। पहले भी बेटियां हुआ करती थी, हम लोगों ने आप लोगों ने देखा होगा, नाम सुना होगा, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, सती अनुसैया, सावित्री, जिन्होंने कितना नाम रोशन किया और मालूम नहीं जिस गर्भ में बेटी को मार दिया जाए तो बेटी आगे चल करके कितना नाम रोशन कर सकती है। और जन्म भी हो जाए अगर बेटी का, उसके बाद शादी हो जाए, शादी होने के बाद भी बेटी सुख नींद में नहीं सो पाती है, ससुराल वाले दहेज के चक्कर में उनको धमकाते रहते थे।